वेलकम डॉक्टर ब्लॉग। आज मैं फिर आया हूँ न्यू मुरादाबादी शॉप, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। और ये देखिए न्यू मुरादाबादी शॉप, और न्यू मुरादाबादी शॉप के ठीक ऑपोजिट में है रॉयल इंडिया होटल। ये देखिए, ये है रॉयल इंडिया होटल, और रॉयल इंडिया होटल के ठीक सामने न्यू मुरादाबादी शॉप। ये देखिए, इधर में आपको नाखुदा मस्जिद इस रास्ते की तरफ आएगा, जो कि जकरिया स्ट्रीट में बहुत ही बड़ी मस्जिद है, नाखुदा मस्जिद। आइए, कुछ आज कुछ नया कुछ दिखाएं, ताकि बहुत ही मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो आज कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए देखें। आज भी बहुत मजा आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि आज का भी वीडियो भी बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। ये देखिए, और ये न्यू मुरादाबादी शॉप का खास आइटम, यहाँ का ब्रास आइटम है, पीतल का है, तांबा का है, कांसा का है। तो यहाँ पर ये खास करके, ये लगभग ये दुकान 139 साल पुरानी दुकान है। ये 1984 में ये दुकान, 1884 में, सॉरी। ये देखिए, ये खास इस दुकान की पहचान है कि 139 साल पुराना पंखा भी है। ये देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े हाड़ी और ये बिरयानी हांडी, जो मतलब शादी ब्याह में खाना ना पकाने के लिए जरूरत पड़ता है। तो आज भी मैं कुछ खास आइटम शादी ब्याह का ही लेकर आया हूँ। इससे पहला वीडियो आप लोगों ने देखा तो वो पूरा मुरादाबादी आइटम था, जो कि कोलकाता में आपको बिल्कुल आराम से मिल जाता है, और ए टू जेड आइटम। तो आज से फिर हमारे साथ हमारे हैं नूरू भाई, नूरुद्दीन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज कहाँ से शुरू करेंगे? ये हमारे पास जो आइटम है, ये शादियों का जो था, इससे पहले आपने किया था, हमारे पास डिग्रोटर लाइन का। अच्छा, जो डिग्रोटर में जो लेके भारत खटाते हैं वो आइटम हमारे पास है। कैटरिंग जो है, होटल लाइन का जो है, डिग्रोटर लाइन का जो है, मस्जिद वगैरह में जो बड़ा बड़ा हांडी लगता है, वो सब हांडी हमारे पास है, और खुद का मैन्युफैक्चर है, हम लोग बनाते हैं। हमारे पास जो भी मिलेगा आपको तांबा का सामान मिलेगा, तांबा का। ठीक, इसके बारे में आइए, मैं आपको सबसे पहले जो डिग्रोटर लाइन और मस्जिद में जो हांडी लगता है भारत में, वो हांडी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वो आपको कॉपर का हांडी। अच्छा, ये कॉपर का हांडी। कॉपर जो होता है वो इस तरह का लाल होता है। अच्छा, तो ये लाल हो गया, इसको कॉपर तांबा जो भी कहिए, ये हांडी जो है कॉपर तांबा का है। तो कॉपर इस तरह का लाल होना जरूरी होता है। अब इसमें जो खाना जो बनेगा, जैसे होटल वगैरह हो या शादी हॉल में खाना बनता है, या मस्जिद का जो कुमेटी का हांडी होता है, वो सब हांडी हुआ, ये सब हांडी जो है, जब इस ये कंडीशन में रहता है, तो ये कंडीशन में खाना नहीं बन सकता। नहीं बन सकता जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि लाल में अगर आप खाना बनाएंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। अच्छा, ये खास बात जी। ऐसे तो होटल वाले को बहुत सारे को देखते हैं अल्मोनियम में बिरयानी वगैरह बनाते हैं, तो बनाने के लिए आप जो बना लेंगे और उसमें खाने का जायका जो टेस्ट होता है वो नहीं आता, उसके लिए आपको तांबा का हांडी चाहिए, चाहिए वो जरूरी होता है। बिल्कुल, और तांबा का हांडी में खाना बढ़िया बनता है। और तांबा का हांडी हमारे पास जो मिलेगा, इस्तेमाल करने वाला मिलेगा, यूज करने वाला, यूज करने वाला का मकसद ये है कि उसका जो पेंदा होता है वो मोटा होता है। अच्छा, अगर वो पेंदा हमने बड़ा हांडी बना देंगे, पेंदा पतला बना देंगे, तो खाना जो है जलेगा, जलेगा बिल्कुल। तो जो होटल के मालिक होते हैं, तो वो लोग जब भी खरीदते हैं तो मोटा पेंदा का खरीदते हैं। ऐसे बहुत सारे कारीगर उनको कम पैसे के चक्कर में हल्का माल खरीदवा देते हैं, बाद में ये होता है तो खाना जो जलने लगता है, तो उससे क्या होता है, होटल वाले का नुकसान होता है। और जो आदमी इस लाइन के हैं पुराने, जो अच्छा, इसमें एक बात अच्छी, और बावर्ची का जो मामला है, तो बहुत सारा बावर्ची को लोग लाते हैं, भाई बावर्ची देख के लाएंगे, जो ओरिजिनल बिरयानी बनाने वाला बावर्ची होगा वो कभी आपको अल्मोनियम का हांडी नहीं खरीदवाएगा, नहीं खरीदवाएगा बिल्कुल। क्यों नहीं खरीदवाएगा? क्योंकि अल्मोनियम में बढ़िया टेस्ट नहीं होता है। जो ओरिजिनल बावर्ची होगा हमेशा कहेगा तांबा का बर्तन लगेगा, तांबा का बर्तन जो होता है, जैसे डिग्रोटर लाइन शादी हॉल वगैरह में जो चलता है, या मस्जिद में भाड़े में जो चलता है, वो हांडी ये हुआ। अच्छा, और अच्छा, इसको इस्तेमाल करने के लिए, ये तो लाल है जी, तो आपने कहा कि अगर इसी में खाना बनाया जाए तो फूड पॉइजन होने का बिल्कुल अंदेशा है, होगा। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करने के लिए देखिए, ये हमारे पास आपके सामने जो रखा हुआ है रेडी का हांडी है। अच्छा, इसको रांगे से कलई होता है। अच्छा, ये भी ऑलरेडी लाल हांडी है जी, वही लाल हांडी को इसको रांगे से कले करके रेडी किया हुआ, टिंग प्लेटिंग बोलिए या रांगे का कले बोलिए, कले भी दो किस्म का होता है। ओरिजिनल जो कले होता है वो बाट रांग से होता है। अच्छा, बाट रांग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बाट रांग इस तरह का सोना की तरह बिस्कुट होता है, जैसे सोना का बिस्कुट होता है, एक रांग लगी वहां से, वो जो होता है बाट रांग होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसकी आपके जरिया जो है लोगों को भी मालूम चले जो रांगा क्या होता है। देखिये, ये रांगा है, ये करीब 28-29 किलो का बाट होता है, ये रांगा हुआ जिससे ये कले होता है। अच्छा, इसी से ये कले होता जी, हमारे यहाँ पे क्या है, जो अगर मान के चलिए किसी ने हमसे हांडी खरीदते हैं, उनको अगर कारीगर नहीं है या कारीगर की जरूरत है, तो हम लोग कारीगर का इंतजाम भी कर देते हैं, जो आपके यहाँ पे जाके कले जो कर देगा। अच्छा, लेकिन आप अगर रांगा खरीदेंगे तो आपके यहाँ जाके भी कले करेगा तो बढ़िया होगा, नहीं तो शीशा होता, जलेबी होता, वो वाले से कर देने से देखने में सादा लगता है, लेकिन
कल ही नहीं होता, दो चार मतलब व्यवहार करिएगा खराब हो जाएगा। अच्छा, दो चार बार यूज करने के बाद ही वो बेकार है। ये हांडी है जैसे इसमें आपका जो है मैक्सिमम जो भाड़ा में चलता है डिग्रेटर में चलता है वो 12 किलो चावल 10 किलो चावल होता है। जैसे आपका 10 किलो चावल 20 किलो गोश्त 10 किलो आलू 40 किलो कंप्लीट हुआ 80 आदमी का खाना का होता है। 80 आदमी का खाना, और ये उससे जो बड़ा है इसको बंगला में कहते हैं डेढ़ मन का हाड़ी। अच्छा, डेढ़ मन का हाड़ी, डेढ़ मन का हाड़ी 18 किलो। हाँ, डेढ़ मन का हाड़ी का मकसद हुआ 12 किलो चावल 25 किलो गोश्त 10 किलो आलू। अच्छा, ये 125 आदमी का कैपेसिटी हुआ इसके अंदर। अच्छा, 125 आदमी। अगर ये पेंदा मोटा होगा तो आपको 24-25-26 किलो ढक्कन छोड़ के होगा। अच्छा, ढक्कन आप तांबा का लगाएंगे तो बिरयानी दम देने में बढ़िया होता है। अच्छा, उससे क्या होगा जब तांबा का ढक्कन लगा के जब आप दम देंगे बिरयानी में तो बिरयानी का दम बढ़िया होता है और खाना आपका बढ़िया बनता है। तो ये जो मैं आपको जो देखिए ये तांबे का ढकना है, तो तांबे का हांडी में इस तरीके का अल्मोनियम का भी ढकना आता है। अल्मोनियम का आता है, अगर किसी ने पैसे कम होने की वजह से अल्मोनियम का खरीद लेते हैं उनको क्या बिरयानी दम देने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, उसका लाइफ कम है, इसका कॉपर का लाइफ ज्यादा है। ये आपका हीट जो है काफी देर तक रहता है इसके अंदर, खाना एक जैसा गर्म रहेगा। गर्म रहेगा। ये आपका डिग्रोटर का हो गया, मस्जिद में जो चलता है वो हांडी हो गया। आपको मैं हांडी दिखलाता हूँ होटल का डिजाइन का। जी, होटल का डिजाइन में जब भी हांडी चलता है वो ये हांडी, इसको कहते हैं खुला। अच्छा। इसमें आप थोड़ा सा साइज देख लीजिए, बहुत सारा साइज, बहुत सारे साइज है। जी जी, इसमें बहुत सारा साइज होता है। ये हांडी आपका 2 किलो चावल से स्टार्ट होता है। अच्छा, आप 2 किलो चावल से लेके होटल वाले को ज्यादा से ज्यादा जो चलता है वो तकरीबन आपको जो है 5 किलो चावल 4 किलो चावल 7 किलो चावल का, ये सब स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज होता है। और ये भी आपको जब भी खरीदे मोटा खरीदे, मोटा खरीदे, मोटा रहने से ये होगा। तो अभी जो आपको ये हांडी के बारे में बताए थे ये कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो डिग्रोटर वाले के यहाँ होता है। जी, उसके बाद शादी हॉल वगैरह में जो होता है। जी, उसके बाद जो जो होटल में बिरयानी बना के बेचेंगे ये लगे उनको। आप जैसे ये हांडी कलकत्ते में चलता है, आपने दादा बोधी बैरकपुर, हाँ, उनको ये लगता है ढाका बिरयानी है, उनको लगता है। अच्छा, ये वाला, हाँ, ढाका बिरयानी दादा बोधी वगैरह जो बिरयानी बनाते हैं वो आपको ये वाले में बनाते हैं। वाओ, दादा बोधी का नाम मैंने बहुत सुना हुआ है भाई। दादा बोधी का हांडी भी हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। चलिए, उनके पास बहुत सारा हांडी है, वो क्वालिटी मेंटेनेंस करते हैं इसलिए उनका नाम भी है। तो वो यही से आकर कर लेते हैं। अब ये हांडी जो हम आपको दिखाए अलसरान होटल है, उनका बहुत सारा ब्रांच है तो वो सब यूज करते हैं, ये हांडी यूज करते हैं। सब आपके पास से लेकर के जाते हैं। जैसे रॉयल इंडियन होटल प्राइवेट लिमिटेड है, वो लोग इसमें बिरयानी बनाते हैं और मोटा पेंदा जब भी लेते हैं वो लोग मोटा पेंदा का लेते हैं क्योंकि उसका लाइफ ज्यादा होता है। ये हो गया, इसमें बहुत सारा साइज है, इसको भी यूज आपको करना है तो कल ही करा के यूज करना। और मतलब ये सब तो आपका जो भी दिखा रहे हैं ये सब केजी हिसाब से ही दाम का मसला रहता है। अच्छा, मैं सुनता हूँ नूरू भाई के दाम इसका ऊपर नीचे होता रहता है। जी, जैसे सोना है, सोना में आपने देखते हैं हमेशा अप डाउन होता रहता है, उसी तरह ये तांबा में होता है। अच्छा, और ये तांबा का डेली का रेट होता है माइनस प्लस होता रहता है। मतलब कभी कम भी रहता है तो कभी ज्यादा। जी जी, होटल वाले का और डिग्रेटर वाले को आप जैसे हमने तांबे का हांडी आपको दिखाया, उसके बाद ये चाप का लगन होता है, ये जो चाप का है, ये चाप का लगन हुआ, चाप वगैरह बनाने के लिए ये होता है, इसमें बढ़िया चाप बनता है। अगर कोई अल्मोनियम में बना रहा है तो बन तो जा रहा है, मगर वो टेस्ट नहीं है, खाने का जायका उनका बढ़िया नहीं होता, इसलिए खाना के जायका के लिए तांबा जरूरी है। और ये चीज मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आपके सामने जो लाल जो लगा हुआ है, जी, ये आपको राजस्थान, राजस्थानी में जो शादी होता है राजस्थान वगैरह में उन लोगों का ये सेट हुआ। अच्छा, ये पूरा सेट मतलब देते हैं। जी हाँ, वो लोग शादी में ये पूरा सेट देते हैं, राजस्थानी सेट कहते हैं। अब इसमें कोई 5 हांडी का सेट लगाते हैं, कोई 4 का लगाते हैं, कोई 3 का लगाते हैं, लेकिन तांबा ही चाहिए उनको, उनको तांबा ही। ये जो आप देख रहे हैं ये परात है, ये परात है ना, ये परात है, इसको कहते हैं राजस्थानी सेट। अच्छा, ये बच्चियों को दिया जाता है शादियों में। उसके बाद ये जो मैं आपको दिखाया हूँ ये राजस्थान का था। जी, ये आपका यूपी का, यूपी का। चलिए, मतलब ऑल इंडिया का आइटम यहाँ पर, हमारा माल ऑल इंडिया जाता है, इंडिया से बाहर भी लोग मंगाते रहते हैं, जाता रहता है। चलिए, लोग आके भी लेते हैं। देखिए, ये जो ये आपका जो यूपी का सेट है, यूपी में जो आपको यूपी के लोग जहाँ भी है वो बच्चियों को शादी में ये देते हैं, इसको बदना कहते हैं, लोटा कहते हैं, ये तांबे का होता है बड़ा। जी जी, और ये भी इसमें सब साइज होता है, बड़ा छोटा। अच्छा, मतलब जो लोग जैसा लेना चाहे। जी, लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसा भी ले। ये सेट हुआ, ये सेनी हो गया, ये तांबे का सेनी हो गया, ये पूरा, ये तांबे की पतीली हो गया, अपना बड़ा छोटा जो भी लेना है। ये पानदान जरूरी है क्योंकि ये परंपरा वाला चीज है। अच्छा, ये परंपरा वाला चीज, ये पानदान है तांबे की। जी, और इसका जो हैंडल जो है ये फंक्शन है, जिसमें आप जो सामान वगैरह रख सकते हैं, जर्दा वगैरह, जर्दा, डली, जी जी, सुपारी, सब मतलब रखने के लिए पूरा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। जी जी, और इसको बोलते हैं लगन। ये जो आप देख रहे हैं ये तांबे का लगन है, ये यूपी वाले को ये शादी में देना जरूरी होता है, बच्चियों को दिया जाता है। अच्छा,
यही चीज को आप अगर इसमें बिरयानी बना के खा रहे हैं, जैसे हमने आपको लिखा है ये कंडीशन पूरा लाल है, जो प्योर तांबा होता है, ये भी सोना की तरह आपका 22 कैरेट 24 कैरेट जैसे सोना होता है उसी तरह तांबे में भी क्वालिटी होता है। अच्छा, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर, हम बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग दूर से आते हैं। ये दुकान 1884 का है, 149 साल होने के लिए जा रहा है, चलिए आप लोग की दुआ से। तो ये हुआ आपका जो है ओरिजिनल कंडीशन में ये हो गया, इसमें जब हम खाना बनाएंगे तो फिर हमको इस तरह का कली खिलाना पड़ता है, इस तरीके से कली, जैसे उसमें छोटा बड़े में जो आपने कहा जी, ये है, इसमें आप कली करा के इस्तेमाल करें तो आपका खाना जो है सही रहेगा। अगर आपने बिना कलई का यूज कर रहे हैं तो फूड पॉइजन हो जाएगा। ये एकदम मेरे तमाम व्यूवर से मैं एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे नूर भाई इस बात पे बहुत खास तवज्जो दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मतलब बस इसी तरीके से खाना बना लेते हैं, तो वो तबीयत खराब होने वाली बात है भाई। और ये तांबा का जो भी आइटम ले तो इस तरीके से कलाई जरूरी है, और कलाई कराना जरूरी है, और कलाई आप यहाँ भी दे करके करवा सकते हैं, या फिर इनके पास आदमी है जो कि प्रोवाइड कर देंगे आपको, आपके घर पे जाकर के रांगा यहाँ से खरीदिए और अपने घर पे जाकर के बिल्कुल करवा सकते हैं, वो घर बैठे आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ज वगैरह जो लेना है वो लगेगा ना भाई। जी जी, ये जैसे मैंने इसमें जो प्रॉब्लम आपको बताया वही चीज इसमें भी है। ये चाप का आइटम है ना, आइटम ये आपका अनफिनिश है। अच्छा, ये अनफिनिश है, हमेशा कहेंगे अनफिनिश जो है लाल होता है, जब आपको यूज करना है तो इस तरह का कली कराना जरूरी है, व्हाइट कराना जरूरी है। और रंगा तो आपने दिखाई जी, रंगा मैंने आपको दिखाई दिया हूँ जी। बार बार इसे बताते हैं, बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो इस्तेमाल करते इस तरीके से डेफिनेशन कोई नहीं बताता, इस्तेमाल करते नहीं है, उनको मालूम नहीं है। और ये जो सामान आप देख रहे हैं ये आपका जी बूफे बोलते हैं इसको। अच्छा, बूफे सेट है, ये आपका ब्रास का है, ये ब्रास का। अच्छा, इसमें कुछ पानी वगैरह भी मेरे ख्याल से गर्म होने का कोई जगह रहता है जी? जी, इसमें क्या है जो आप इसमें जो है गर्म पानी रहता है इसमें ना जी, और ये वाले में जो है खाना होता है, तो गर्म पानी की वजह से ये खाना जो है गर्म ही रहता है हमेशा। तो ये हो गया आपका ब्रास का, पीतल का हो गया। अच्छा, वो आपका कॉपर का है, तांबा का है। अच्छा, वो कॉपर का, सेम आइटम सेम है जी, सेम चीज है। अच्छा, और ये जो देख रहे हैं ये स्टील का है। अच्छा, स्टील भी आपके पास है जी जी, और ये डेकोरेटर वाला ये आइटम है मतलब, या फिर होटल वगैरह में भी इस तरीके से रहता है, होटल डेकोरेटर कैटरिंग सब हमारा चलता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो है कलकत्ते में जो चाय बन रहा है, जैसे आपका उड़ीसा वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में चाय जो बनता है, या कलकत्ते का जो बड़ा बड़ा होटल है उसमें जो चाय बनता है, तो चाय आपको बनाने के लिए ये कॉपर का होता है जिसको तांबा कहते हैं, ये दूध वगैरह के लिए है वो हो गया, या इसमें आप चाय टेस्ट भी और जबरदस्त हो जाता है। इसमें भी कोटिंग किया हुआ, जो अंदर आप देख रहे हैं कोटिंग किया हुआ तांबे का कंडीशन लाल दिखा दो, और एक अंदर का जी, उसमें आप दूध फुटाइए, चाय बनाइए, बहुत ये आप इसमें चाय को ढाल के, इसमें चाय को ढाल के, चाय की केतली कहते हैं जी, इसमें भी देखिए कोटिंग किया हुआ है। वाओ, मतलब कोटिंग जरूरी है भाई। इसमें आप चाय बना के रख दीजिए और आप यहाँ से ले लेंगे, आप अपना सेल जो है चाय करते रहिए, जो चाय बना के बेचते हैं उनको ये चीज लगता है, बहुत खूबसूरत है ये चीज लगता है उनको लगता है। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे घर में बिरयानी वगैरह बनाने के लिए या शादियों में बच्चे के देने के लिए ये चीज चाहता है, अंदर में ये आपका जो है कोटिंग किया हुआ है, बाहर में ये कंडीशन में है, इसमें बड़ा छोटा सब किसी में होता है, पूरा साइज है जी, ये होता है पूरा साइज है। और अभी के डेट में जो एक हांडी चल रहा है वो आपको, ये हांडी ये भी हांडी है जिसका मुँह खुला होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुँह हमको खुला हुआ चाहिए, ये हुआ हांडी का मुँह खुला हुआ। और अभी जो आप देख रहे हैं बिरयानी वगैरह के लिए, वो ये चीज़ है, ये हांडी है, इसको भी बोलते हैं HD हांडी, HD जी, ये इस तरह का होता है, इसका मुंह फैला हुआ होता है, मुंह बड़ा होता है, इसका ये पावर होता है, इसमें आपको सामने देखिए बड़ा से छोटा तक सभी साइज का साइज है, पूरा साइज का है, इसमें खाना आपका बढ़िया बनेगा जी। एक मिनट में आपको और दिखाता हूं, ये हांडी को बोलते हैं ढाका हांडी जी, थोड़ा इसका लुक चेंज है भाई। हाँ, इसका लुक इस तरह का होता है क्योंकि बांग्लादेश ढाका जाता है, हमारा माल बांग्लादेश ढाका भी जाता है। अच्छा, अच्छा। वहाँ के लोग आते हैं ले जाते हैं, ये मटन कस्सा के लिए है। अच्छा, मटन कस्सा, इसमें मटन जो है आपका बढ़िया बनेगा क्योंकि फैला हुआ मुँह का है। ये आपका नॉर्मल हांडी के जैसा जो था वो तो मैंने आपको दिखाया, ये आपका जो खुला मुँह का है मटन कस्सा हांडी है। दूसरा चीज मैं आपको ये दिखा दूँ, तांबे का कढ़ाई, हमारे पास जो भी है तांबे का, पीतल का, कांसा का, सभी आइटम है। ये जो है तांबे का कढ़ाई है, इसमें आप मटन वगैरह सब्जी वगैरह जो भी बनाएंगे खाने का टेस्ट बढ़िया होगा। चाय के लिए है, इनका घर में फैमिली छोटा है, हाँ, उनके लिए चार पांच आदमी के लिए आराम से। और एक चीज मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, ये आपका जो है कांसा का थाली है, कांसा का जी, ओरिजिनल कांसा का ये थाली है, ओरिजिनल
ये हमारा यहाँ से बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ के लोग आते हैं ये चीज खरीद के ले आते हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे कस्टमर जी, इसका डिमांड बहुत है। इसको अच्छे डॉक्टर बोलते हैं, आशा के बर्तन में खाना खाने के लिए। अच्छा, ये पेट के लिए फायदा है। दूसरा बात, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनका कहना है जो काशा में काम किया हुआ होता है, हमने आपको जो दिखाया वो काशा इस टाइप से होता है, ये होता है प्लेन में होता है, इसमें कोई काम वगैरह नहीं होता है। अब इसी का जो डुप्लीकेट है वो देखिए, ये डुप्लीकेट है काशा का। अच्छा, काशा का भी काला नहीं होता है। अच्छा, और काशा में खट्टा मीठा सभी आइटम आप खा सकते हैं। इसका जो डुप्लीकेट है ये आपका रखा रखकर काला हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप खट्टा मीठा कोई सामान खाएंगे तो नुकसान भी करता है। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते हैं काशा में काम किया हुआ, देखिए ये काम किया हुआ है। अच्छा, जी इसमें काम किया हुआ, पर ये काशा नहीं है, यहाँ पे हमने हमारा लिखा हुआ प्योर ब्रास। अच्छा, प्योर ब्रास जी, प्योर ब्रास है। अगर ये काम इस तरह का होगा काशा में तो काशा फट जाएगा। फट जाएगा जी, इसीलिए काशा में कभी काम नहीं होता है। और काशा में जो पुराने लोग आज भी हैं वो ये चीज का पता है उनको, अगर काशा हाथ से गिर जाएगा तो फट जाएगा। अच्छा, शीशा की तरह वो फट जाएगा, शीशा की तरह जी। तो काशा का बहुत हिफाजत से इस्तेमाल किया जाता है और उसमें खाने से फायदा है। अब ये काशा का गिलास है, इसमें पानी पीजिए, ये फायदा करेगा। ये सब हमारा माल बांग्लादेश सबसे ज्यादा जाता है। दूसरा चीज मैं आपको ये दिखा रहा था जी, ये होटल इसको कहते हैं तंदूरी चाय। तंदूरी चाय जी, ये तंदूरी चाय के लिए, इसमें चाय वगैरह जो बालू में उबालते हैं इस पे रख के, और ये इसका होता सेट होता है, ये बोलते हैं तंदूरी चाय का सेट। अच्छा, तो इस तरीके से कस्टमर के सामने पेश किया जाता है, जो इसमें चाय बना के उसके बाद जो कस्टमर को डाल के दिया जाता है। अच्छा, ये आप उड़ीसा वगैरह का आप देखिए, वहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, कलकत्ता वगैरह में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मैदनापुर वगैरह। हाँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि तंदूरी चाय का रुझान थोड़ा बड़ा हुआ। ये जो चीज मैं आपको एक चीज कह रहे थे, ये जो चाय की कितनी मैंने बड़ा दिखाया था उसी का छोटा भी होता है। अच्छा, इसमें नल नहीं लगा हुआ, इसमें नल इसीलिए लगा हुआ नहीं है, जो बहुत सारे लोग का छोटा दुकान है तो चाय उसमें बना के इसमें ढाल के वो दे रहे हैं, कस्टमर भी इसको समझ रहे हैं तांबा है, पी रहे हैं, इसका फायदा भी नजर आ रहा है उसको। दूसरा होटल लाइन का जो मैं आपको दिखाया था, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं ये हांडी का फोटो लेते हैं। अच्छा, और कहते हैं ये बिरयानी का हांडी दीजिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये बड़े बड़े होटल में आप देखेंगे बहुत सारा बड़ा होटल है, उसमें जब आप खाना खाने जाएंगे तो इसमें आपको खाना देते हैं खाना खाने के लिए। अच्छा, ये खाना वाला खाना जो खाने के लिए, खाने के लिए है जी, इसमें कोई खाना आप जो है बना नहीं सकते, बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसमें स्टील लगा हुआ है। अच्छा, ये पूरा ऊपर में स्टील जी, अगर ये आग में आपने डालेंगे तो ये फट जाएगा। अच्छा, इसमें खाना बनाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए जो फैला हुआ हांडी खाना बनाने के लिए, ये वो खाना बनाने के लिए और ये खाने के लिए, खाना इसमें रख के आप खा सकते हैं, मेहमानों को सामने रख सकते हैं। ये चीज का लोगों को नहीं है, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं आग पे चढ़ाते हैं तो फट जाता है। चलिए, तो स्टील लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास होटल में जो लोग खाना खाते हैं इसमें बहुत सारा सेट होता है। अच्छा, सेट होता है, उसके साथ ये होता है, उसके बाद आपको ये बड़े बड़े होटल वगैरह में तड़का वगैरह के लिए ये सब जाता है जी। इसका ये हांडी भी होता है इस टाइप का। अच्छा, ये जितने आइटम जो अभी आपने दिखाया ये सब में ऊपर से स्टील मतलब किया हुआ है। हाँ, ये जो खाना जो आपको मेहमानों के सामने रखने के लिए या होटल में खाना जो खाने के लिए स्टील लगा हुआ, सिर्फ आप इसमें खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं। उसमें बनाने का कोई नहीं, बनाने का कोई नहीं है क्योंकि इसमें स्टील लगा हुआ। स्टील अगर जो चीज में लगी रहेगी उसको आग में आप डालने से नुकसान होता है भाई। खाना जब हम बना रहे तो प्योर कॉपर में बनाए, प्योर तांबा में बनाए, जो खाना हमको बढ़िया मिलेगा इसमें हम रख के खा सकते हैं। बनाने के लिए तो अल्मोनियम में लोग बना लेते हैं, पर खाने का उसका जायका या टेस्ट नहीं आता है। मैं यही बात होटल वाले को भी यही बात कहता हूँ, जो आप तांबे में बनाएं, तांबे में खाना आपका बढ़िया बनेगा। जैसे हमारे सामने में देखिए दादा बोधी होटल वगैरह है, आज के डेट में बहुत अच्छे है, क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, वो हमारा तांबा वगैरह का ही बर्तन लेके खाना बनाते हैं। इस तरह करके लोग अगर बनाएंगे तो उनका भी होटल दौड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर रेट की जानकारी करना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप इनसे रब्ता करें। और चलिए, मैं शॉप के जो ऑनर है मैं उनसे दो बातें कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा नूरू भाई आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा डेफिनेशन आपने बताया। तो बस बिना समय नष्ट किए हुए मैं जो शॉप के ऑनर है और इनसे आप एक नहीं कई बार मिल चुके हैं, आज फिर मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आज आपके हमारे नूरू भाई ने पूरा तांबे का आइटम को दिखाया और पूरा डेफिनेशन बताया, तो आप तो ऑनर है, आपको तो ज्यादा उससे ज्यादा जानकारी है, तो हमारे व्यूअर को कुछ और दो बातें आप भी बता दें। तांबे के बर्तन जो है हमारे यहाँ प्योर तांबे का सामान बिकता है और ये इस्तेमाल करने वाले बर्तन बिकते हैं और इसके हमारा बर्तन ऑल ओवर इंडिया कस्टमर हैं, माल जाता है बाय कुरियर, बाय ट्रांसपोर्ट भेजते हैं हम। और हमारे यहाँ अगर आप सामान बैठ के ही मंगाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं है, आप आकर भी खरीद सकते हैं। और इसमें कोई आपको हिसाब में वजन में किसी में आपको कंप्लेन नहीं आएगी और आपको हमारे यहाँ मंगाने पर बाहर में आउट ऑफ स्टेट के लोग जो मंगाते हैं
उनको पैसा भेजने का सहूलत है कि आप अकाउंट में रुपया दुकान के अकाउंट में रुपया भेजिएगा, पेटीएम से भेजिए, फोन पे से भेजिए, अकाउंट में दीजिए और आपको आपको होम डिलीवरी बाई कुरियर आके घर तक भेज दी जाएगी। और भेजने से पहले हम आपको सामान का पूरा रिकॉर्डिंग वेट हिसाब जो है पहले हम भेज देते हैं, उसके बाद हम कुरियर करते हैं और आपका जब कुरियर हमारे यहाँ से पहुँचाएगा वो आपसे मुझसे बात कराएगा और आपको कन्फर्म कराएगा कि हमें आप सेटिस्फाई हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ हमारे को सामान मिल गया और सामान को डैमेज नहीं है, सब सही है। आप एक बार मंगा कर जब देख सकते हैं उससे आपको हमारी सर्विस का अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे तो एक बार यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आपके कोई अपने हो तो आप हमारे काउंटर से भी सामान खरीद सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है। आप यहाँ से बैठ कर लीजिए या मंगाइए, तो दामों में हिसाब में वजन में कोई भूल भाड़ नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा और वाकई में ये दुकान बहुत ही भरोसेमंद दुकान है और मैं यहाँ आता हूँ हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसी बात में मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें भाई।